आज मैं बनाऊंगी खालिस खोया बर्फी। मैंने ये 4.5 लीटर दूध लिया था, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो पतीले में पकने के लिए रख दिया है। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें ज्यादा चीजें भी ऐड नहीं होती। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे और इसका 900 ग्राम खोया निकलेगा। अगर आपको कम खोया चाहिए तो आप 1 लीटर दूध से 200 ग्राम खोया बना सकती हैं, जिसको 30 से 40 मिनट लगेंगे पकाने के लिए। इसकी अशिया हम नोट कर लें। जब ये खोया बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो एंड में हम इसको चीनी डालेंगे 1/2 कप। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकती हैं। और गार्निश के लिए बादाम। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, दूध पकना शुरू हो चुका है। इसमें हम तकरीबन चमचा चलाते जाएंगे ताकि दूध नीचे लगे ना। अगर दूध नीचे लग जाएगा तो उसकी स्मेल दूध में आएगी और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। ये साइडों पे दूध है, इसको भी हम साथ साथ साफ करते जाएंगे। ये देखिए इसको तकरीबन 1/2 घंटा हो गया इसको पकते हुए। इसको पकाने के लिए हमें इसके पास खड़ा रहना होगा क्योंकि हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए इसको अब दूध को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। इसको हमने अब बहुत एहतियात से चलाना है ताकि नीचे से ये दूध लग ना जाए। इसका पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटा तक पकाया है। इसका पानी अभी और मजीद खुश्क होगा इतना कि ये खोया बन जाए। देखिए यहाँ पे दूध बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ पे आप एहतियात करें, यहाँ पे छींटे उड़ेंगी पानी खुश्क होने के लिए। और यहाँ पे आप आंच थोड़ी हल्की कर सकते हैं। ये देखिए ये खोए की शक्ल तैयार कर रहा है, काफी हद तक पक चुका है। अभी हम इसको मजीद और पकाएंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन काफी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, इसमें से मैंने तकरीबन कुछ खोया निकाल लिया है दूसरी रेसिपी के लिए और बाकी खोए की हम बर्फी बनाएंगे। देखिए अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चीनी भी अब अपना पानी छोड़ेगी, इसको हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। हमारी बर्फी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। खोए की बादाम वाली बर्फी तैयार है, इसको हमने डिश में निकाल लिया है। इसको हम फ्रिज में ठंडे रखेंगे, इसको हम फ्रिज के बगैर ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस कर लेंगे। खालिस खोए वाली बादाम की बर्फी तैयार है, हमने इसको ठंडा करके स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्राई जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। मोर रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।